दोस्तों, दुनिया भर में अबरक निर्यात करने वाला राज्य झारखंड एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल एक सर्वे में पाया गया है कि झारखंड में भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं का सामना कर रही है और सभी देश जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, और इस लक्ष्य को हासिल करने में लिथियम एक गेम चेंजर खनिज साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये लिथियम का भंडार झारखंड में विकास की गति को दुगुनी करेगा, इसे लेकर क्या बड़े अपडेट सामने आए हैं और झारखंड के सरकार का इसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, दुनिया के विकसित और कुछ विकासशील देश भी वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रहे हैं, और बात जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की हो तो इसमें लिथियम को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि लिथियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि गाइस आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगा होता है उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा लिथियम का उपयोग मेडिकल क्षेत्र में, मोबाइल फोन में और सोलर पैनल जैसी चीजों में भी किया जाता है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पाया गया कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के अलावा कई खनिजों का भंडार मौजूद है। नाउ रिसेंटली हमारे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कर्नाटक में 1600 टन और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है, और अब जांच से पता चला है कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में भी लिथियम मिल चुका है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में भी लिथियम को खोजने की कोशिश की जा रही है। अभी कोडरमा के तिलैया ब्लॉक और उसके आसपास लिथियम, सीजियम और बाकी खनिज भारी मात्रा में मौजूद है, जिसे देखकर ये लगता है कि अब भारत को लिथियम के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना होगा। अभी भारत में सबसे ज़्यादा लिथियम चीन से आयात होता है। पहले सभी व्हीकल पेट्रोल और डीजल से चलते थे, इसलिए सरकार को कम लिथियम की जरूरत थी। यही कारण है कि सरकार खुद लिथियम का प्रोडक्शन ना करके चीन जैसे देशों से लिथियम आयात करती थी। लेकिन आज भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करना है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिथियम सबसे जरूरी खनिज है। यही कारण है कि देश भर में ज्यादा से ज्यादा लिथियम भंडार की खोज की जा रही है। पहले लिथियम के भंडार में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर शामिल थे, लेकिन अब झारखंड भी इसमें शामिल हो चुका है, और ये एक बिग अपडेट है। GSI के सर्वे के अनुसार झारखंड के कोडरमा में, तिलैया ब्लॉक और कुसमा इलाके में लिथियम है। वहीं गिरिडीह के गांवा ब्लॉक और पिहरा इलाके में लिथियम, सीजियम और RM मौजूद है। इसको लेकर 27 नवंबर को झारखंड सरकार और भूवैज्ञानिक परिषद की बैठक हुई थी। सरकार राज्य में लिथियम को निकालने की योजना बना रही है, क्योंकि झारखंड में लिथियम का भंडार है, और एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद यह लंबे समय तक चलेगा, इसलिए कई बड़ी कंपनियां यहां पर अपना निवेश करना चाहती है। जून 2023 में पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लोक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे, और उन्होंने लिथियम के बारे में चर्चा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लिथियम का उत्पादन पूरी योजना बनाकर नियम के अनुसार करेगी, जिससे झारखंड का विकास हो, आसपास के लोगों को जॉब मिले, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। अब ये तो आगे देखने को मिलेगा कि क्या होता है। भारत के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाता है तो चीन से लिथियम आयात होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बचेगा और इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो जाएगी, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में भी कमी आएगी। तो गाइस, ये थी झारखंड में मिले लिथियम की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, झारखंड में कब लिथियम का उत्पादन शुरू हो जाएगा, और क्या इससे झारखंड का विकास होगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही बिग अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।